नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार की सियासत में बीवियों की धमक किसी से छिपी नहीं है। जब भी बिहार में बाहुबली और कद्दावर नेता चुनाव लड़ने या फिर गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तब वो अपनी बीवियों को आगे कर देते हैं और ये सिलसिला कई वर्षों से बिहार में चला आ रहा है। बात करें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की, तो जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब वो उन्होंने अपनी पांचवी पास पत्नी राबड़ी देवी को आगे कर दिया था और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया था और ये सिलसिला आज भी बिहार में देखने को मिलता है। इसके बाद बात उस दौर की है जब सिवान के दरौंदा विधानसभा की जदयू विधायक जगमातो देवी का निधन हो गया। इसके बाद उनके बेटे ने अजय सिंह ने अपने दावेदारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने पेश कर दी। हालांकि ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों और बाहुबली की छवि होने की वजह से नीतीश कुमार ने टिकट देने से इनकार कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ने यह शर्त जरूर रख दिया कि अगर शादी कर लेंगे तो टिकट मिल जाएगा। हालांकि उस समय पितृपक्ष चल रहा था जिसमें शुभ कार्य करना अशुभ माना जाता है, लेकिन टिकट की आस में अजय सिंह पितृपक्ष महीने में कविता सिंह से शादी कर ली, जिसके बाद कविता सिंह को टिकट भी मिला और विधानसभा भी पहुंच गई। यही नहीं, सिवान में राजद के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के तिलिस्म को तोड़ने हुए कविता सिंह ने जदयू की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और संसद पहुंच गई। एक बार जदयू की ओर से उन्हें सिवान से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस तर्ज पर नवादा और शेखपुरा में अपनी पकड़ रखने वाले बाहुबली अशोक महतो अभी जेल से बाहर है, लेकिन चुनाव लड़ने की उसमें जबरदस्त ललक है। इसी क्रम में उनसे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। लालू को उसकी पिछड़ों पर पकड़ कारगर लगी, पर बड़ी बाधा थी उनका आपराधिक रिकॉर्ड। लालू ने नीतीश का फॉर्मूला अपनाया। अजय सिंह की तरह उन्होंने अशोक को शादी की सलाह दे डाली ताकि उनकी पत्नी को पार्टी का टिकट दिया जा सके। 60-62 साल की उम्र में अशोक ने भी अजय सिंह की तरह रीति रिवाज की परवाह नहीं की। अजय ने पितृपक्ष में ब्याह किया था तो अशोक महतो ने खरमास में अपनी उम्र से 16 साल छोटी यानी लगभग 45-46 साल की युवती से शादी रचा ली। अशोक को पक्की उम्मीद है कि अजय सिंह की पत्नी की तरह पहले विधायक फिर सांसद बनने की जहमत उनकी पत्नी को नहीं उठानी पड़ेगी, वह सीधे संसद पहुंच जाएंगी। इसी तरह बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन डीएम जी कृष्णया हत्याकांड में जेल की सजा काट चुके हैं। उनके बेटे चेतन आनंद शिवहर से राजद के विधायक थे। हालांकि नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने पाला बदल लिया और सत्ता पक्ष के खेमे में बैठ गए। अब आनंद मोहन जेल से बाहर है। लोकसभा चुनाव आने के बाद उन्होंने पत्नी लवली आनंद के साथ सीएम नीतीश से मुलाकात की, जिसके बाद लवली आनंद को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। अब शिवहर सीट भाजपा के कोटे से निकलकर जदयू के हिस्से में आ गई है, जहां से लवली आनंद चुनाव लड़ सकती हैं। इसी तरह एक और बाहुबली अनंत सिंह फिलहाल जेल में है। उन्हें जब AK-47 रखने के मामले में 10 साल की जेल हुई, तब विधायकी जाने के बाद उन्होंने पत्नी नीलम देवी को राजद का टिकट दिला दिया, जिसके बाद मोकामा से नीलम देवी विधायक बन चुकी है। तो बिहार में जब भी बाहुबली और कद्दावर नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से आपराधिक रिकॉर्ड हो या फिर किसी कारण वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, तब वो अपनी पत्नियों को आगे कर देते हैं। ये सिलसिला तब से चल रहा है जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे थे, तब उन्होंने राबड़ी देवी के हाथ में यानी कि अपनी पत्नी के हाथ में बिहार की सत्ता सौंप दी थी। और आज भी बिहार की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। बाहुबली अनंत सिंह की बात करें, आनंद मोहन की बात करें या फिर अशोक महतो की बात करें, तो सब इसी तर्ज पर बिहार की सियासत में बने रहना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।